नमस्ते ऑल, अपोलो हॉस्पिटल्स वेलकम्स यू इन दिस सेशन। सो आज हम बात करेंगे शोल्डर्स के बारे में। जैसे शोल्डर में कभी भी कोई तकलीफ़ होती है, कभी कोई दर्द होता है जिसे हम मामूली अकड़न समझ लेते हैं, कभी कोई भारी वस्तु उठाने से हमारे कंधों में दर्द होने लगता है, नमनेस हो जाती है जिसे हम समझते हैं कि हमारे कंधों में अकड़न हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है वो मामूली अकड़न हो या मामूली दर्द हो। कभी कभी वो चीज़ आगे जाके एक बड़ा रूप ले लेती है, बड़ी तकलीफ़ का रूप ले लेती है, कोई इंजरी हो जाती है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम डॉक्टर से परामर्श करें। तो आज हमारा टॉपिक है कि अ पेनफुल शोल्डर इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्रोजन शोल्डर, जिसके लिए हमारे साथ में है डॉक्टर मौलिक पटवा सर। नमस्ते सर। सर, स्पाइन ट्रॉमा एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी देखते हैं अपोलो हॉस्पिटल में, सीनियर कंसल्टेंट हैं। सर हमारे साथ मोर देन 20 ईयर्स से जुड़े हुए हैं एट अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद। सर हैज़ वास्ट एक्सपीरियंस एंड सर हैज़ डन हिज फेलोशिप फ्रॉम अब्रॉड। सो आज हम सर से बात करने जाएंगे शोल्डर्स के बारे में। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि वॉट इज़ शोल्डर जॉइंट। ओके, थैंक यू वेरी मच, वेलकम ऑल। शोल्डर जॉइंट जो अपना कंधे का जॉइंट बोलते हैं, जो जोड़ है, इट्स अ बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट। उसकी एनाटॉमी ऐसे बनी हुई है कि जो हमें मैक्सिमम मोशन दे या मोमेंट दे। सो जो एक मोशन जो पॉसिबल है जो बाकी जोड़ों में नहीं है, उसका नाम है सर्कमडक्शन। जैसे हम कंधा आगे पीछे साइड टू साइड कर सकते हैं, पर कंधा एक अकेला ऐसा है जिसको हम पूरा राउंड घुमा सकते हैं, जैसे हम बॉलिंग कर लेते हैं। सो शोल्डर ऐसा बना है जिसमें मैक्सिमम मोबिलिटी है। हम शोल्डर को बहुत मिसयूज़ भी कर लेते हैं इस मामले। सो एंड शोल्डर इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अपर लिम। ऐसा कुछ भी नहीं है जो शोल्डर के बिना आप कर सकते हो। सो शोल्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट। शोल्डर की एक पिक्युलैरिटी है, जैसे अगर आप देख रहे हो शोल्डर में, तो शोल्डर का ये बना होता है, एक स्केपुला बोन है जो शोल्डर गर्डल की अंदर की बोन है, और एक ह्यूमरस है। सो विथ ह्यूमरस हेड एंड स्केपुला का ग्लिनोइड, इससे ये बना होता है। अगर आप देखो तो ग्लिनोइड बहुत शैलो है और ह्यूमरल हेड जो है वो काफ़ी बड़ा है, बट इसको दोनों को स्टेबल बनाने के लिए देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्लिनोइड, जो जो ग्लिनोइड कैविटी को वाइडन करता है और शोल्डर के बॉल को, ह्यूमरल हेड को अंदर पकड़ के रखता है। एंड इट अलाउज ऑल काइंड्स ऑफ मूवमेंट, लाइक दिस इज सर्कमडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन। सो एक बहुत पर्टिकुलर और एक पावरफुल जॉइंट है, पर बिकॉज इसकी मोबिलिटी ज़्यादा है सो इसमें प्रॉब्लम भी ज़्यादा होते हैं। सो जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं उसके प्रॉब्लम के बारे में आपको बताऊँगा। जी सर। सर जनरली जो शोल्डर जॉइंट है वो बाकी बॉडी के अदर जॉइंट से कैसे डिफरेंट होता है, ये आपने हमें अभी बताया। तो जो शोल्डर का पेन है, पेशेंट कभी भी तकलीफ लेके आते हैं, ये कितना कॉमन है हमारे इंडिया में कहा जाए या हमारे वर्ल्ड में कहा जाए? एक्चुअली स्पीकिंग अगर आप देखो तो कॉमनेस्ट जॉइंट इन्वॉल्व इन द बॉडी फॉर द पेन इज नी जॉइंट, क्योंकि नी को हम बहुत वेरियंट ऐसे ख़राब कर देते हैं, नी जल्दी घिस जाता है। बट सेकेंड कॉमन जॉइंट इज शोल्डर जॉइंट। सो शोल्डर जॉइंट आई थिंक हर आदमी को कहीं ना कहीं तकलीफ देता होगा। अगर आप देखो तो जैसे बच्चा छोटा होता है, भागता दौड़ता कूदता है, तब गिरने से शोल्डर में फ्रैक्चर होता है। देर इज़ ए जॉइंट कॉल एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट, उसका डिसलोकेशन भी काफ़ी कॉमन है। कोई एथलीट है, कोई जिम जाता है, जिसको एपिलेप्सी है, जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, इन सब में भी शोल्डर डिसलोकेशन के चांसेस बहुत कॉमन है। शोल्डर निकलना बहुत कॉमन हो गया है आजकल। स्पोर्ट्स काफ़ी है, अभी इंडिया में भी स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो रहा है। सो एनी ओवरहेड एक्टिविटी, जैसे आप थ्रो करते हो, बॉलिंग करते हो, उसमें शोल्डर पे काफ़ी स्ट्रेस आता है। सो इन सब से शोल्डर का पेन काफ़ी बढ़ता है, बिकॉज अंदर से थोड़ी थोड़ी इजा होती है, लाइक हेड में इजा हुई, लेब्रम में हुई, या देर आर अ ग्रुप ऑफ मसल्स जो शोल्डर को कंट्रोल करते हैं, दे आर कॉल्ड रोटेटर कफ मसल्स। वो मसल्स का टेयर होना, फटना बहुत कॉमन है। सो शोल्डर इंजरी, शोल्डर पेन इज़ वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है। आई थिंक सब लोग एक्सपीरियंस करते होंगे आज और कल कभी। जी सर। सर और किस तरीके की तकलीफें हो सकती है किसी भी आम इंसान को कंधे से रिलेटेड?
जैसे मैं प्रैक्टिस में देखता हूँ, सो मोस्टली शोल्डर पेन लोग पहले तो इग्नोर करते हैं। जैसे शोल्डर पेन होता है तो मानते कि थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, एंड शोल्डर पेन मोस्टली एक माइनर ट्रोमा के बाद होता है। वो थोड़ा गिर गए या खड़े होने में कोई चोट लग गई है या किसी ने हाथ को ट्विस्ट कर दिया, सो देयर इज़ डेफिनेटली अ स्मॉल हिस्ट्री वेयर शोल्डर को कुछ ट्रोमा हुआ है। सो पेशेंट्स थोड़े दिन तो वेट करता है कि हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर 10-15 दिन में ठीक नहीं होता है, फिर वो दिखाने आता है, और उससे पहले वो ज़रूर से अपने घर पे इलाज कर चुका है, नहीं आसपास सब डॉक्टर फ्रेंड्स है या फिजियोथेरापिस्ट है, सो वो मानता है कि नहीं आप कसरत करो, शोल्डर पेन है चलो आप कसरत करो, उससे जल्दी ठीक हो जाएगा। सो एक्चुअली ये बहुत डेट्रीमेंटल, इस करने से काफ़ी चीज़ें इंजरीज बढ़ जाती है। सो पेशेंट्स यूजुअली शोल्डर पेन के आते थोड़ा थोड़ा दुखता है, दूसरे तरह के पेशेंट आते हैं कि दिन में तो ज़्यादा पता नहीं चलता है पर रात में पेन है, और मैं इस करवट पे या इस शोल्डर पे नहीं सो सकता, नहीं सो सकती हूँ। तीसरे लोग बोलते हैं कि मेरा शोल्डर, जैसे मैं पहले मूवमेंट कर पाता था इतना नहीं कर पाता है, थोड़ा जकड़ गया है, सो मैं मेरे पॉकेट से पैसे नहीं निकाल सकता हूँ, या मेरे को कोम करने में तकलीफ़ हो रही है, या जैसे मैं टॉवल से क्लीन करना चाहता हूँ इतना इजीली नहीं हो रहा है। सो थोड़ा पेन, नाइट पेन्स, शोल्डर स्टिफनेस, और बहुत कम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मेरे शोल्डर में स्ट्रेंथ कम है, जैसे मैं कुछ थ्रो करने जाता हूँ तो मुझे डर लगता है कि नहीं नहीं होगा, दर्द होगा, या कोई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं मैं जैसे शोल्डर ऊपर करता हूँ तो मुझे लगता है कि निकल जाएगा। सो अलग अलग तरह से लोग कंप्लेन करते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन। थोड़े लोग होता है जो तुरंत गिरने के बाद आ जाते, जैसे किसी को ब्रूज हो गया बड़ा सा, यानी वो जानते कि कुछ ज़्यादा लगा है, तो वो तुरंत आएंगे और फिर हम जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं। जी सर, ट्रॉमा के अलावा जब भी कोई पेशेंट आपके पास शोल्डर की तकलीफ लेके आते हैं तो किस किस तरीके की उन्हें तकलीफ होती है, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं उनको जिसकी वजह से वो अपना शोल्डर दिखाने आते हैं? राइट, सो एज वाइज शोल्डर की तकलीफ थोड़ी अलग अलग है। बच्चों में यूजुअली वो आते गिरने के बाद कि फ्रैक्चर हो गया या माइल्ड ब्रूज हो गया ऐसा है, या कभी एपिफिशियल इंजरी होती है जो ग्रोथ पेट इंजरी बोलते हैं। एडल्टहुड में जो होता है वो होता है डिसलोकेशन मेनली, कि वो कोई ट्विस्ट करने गए, पुलअप्स किया, कुछ खेलने गए और शोल्डर निकल गया। सो यूजुअली एक बार निकलने के बाद तो वो लोग बिठा देते हैं, पर काफ़ी ये कॉमन हो जाता है, अगर एक साल में दो बार से ज़्यादा अगर शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है सो दैट वॉरेंट्स कि अभी आपको ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, सर्जरी करके उसको फिक्स करना चाहिए। सो एडल्टहुड में डिसलोकेशन ज़्यादा है क्योंकि शोल्डर का ह्यूमरल बोन मजबूत, ऐसे टूटने के चांसेस कम होते हैं, पर फिर भी मेजर ट्रोमा में फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। कॉमन डिसलोकेशन का और कारण है इलेक्ट्रिक शॉक लगना या एपिलेप्सी, यानी किसी को खींच आती है या शॉक लगता है तो शोल्डर डिसलोकेशन हो जाता है, वो भी कॉमन है। जो उसके बाद जो इंजरीज है या जो तकलीफ है वो बहुत कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं रोटेटर कफ इंजरी या लेबरल इंजरीज। लेबरल इंजरीज आर एसोसिएटेड विद द शोल्डर डिसलोकेशन और पेन, बट जो मोस्ट कॉमन इंजरी है जिस पे आज हम फोकस करेंगे उसका नाम है रोटेटर कफ इंजरी। जी सर, सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास में आया है, व्हाट इज़ फ्रोजन शोल्डर? ओके, जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे जॉन्डिस हो गया है, सो जॉन्डिस इट्स नॉट ए डिसीज, इट्स अ सिम्टम, जैसे हिपेटाइटिस हुआ है, अंदर कैंसर हुआ है, अंदर कुछ और हुआ है, सो इट्स अ सिम्टम्स कि आपको पीलिया, शरीर पीला दिख रहा है, इसको जॉन्डिस बोलते हैं। सो फ्रोजन शोल्डर इज एक्चुअली इज नॉट ए डिसीज, इट्स अ सिम्टम्स। वो एक पेशेंट का कहने का तरीका है कि मेरा शोल्डर जकड़ गया है, थोड़ा टाइट हो गया है, मेरी शोल्डर की मोबिलिटी थोड़ी कम हो गई है। सो इट हैज़ टू हैव सम रीज़न, यानी कुछ है जिससे पेशेंट को ये तकलीफ हो रही है। सो फ्रोजन शोल्डर यानी पेशेंट की एक डायरेक्शन में या एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मूवमेंट्स थोड़ी कम हो रही है, और जो भी मूवमेंट होती उसमें पेन है, उसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, पर अंदरूनी उसकी कॉज अलग है, उसका रीज़न अलग है। जी
सर, एक हमारे व्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा है, फ्रोजन शोल्डर के लिए हम अगर किसी पेशेंट को एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं तो किस तरीके के एक्सरसाइज कर सकते हैं वो? पहले तो फ्रोजन शोल्डर को का कॉज ढूंढो कि फ्रोजन शोल्डर हुआ क्यों है जी। एक बीमारी, इसका हमारी लैंग्वेज में नाम है पेरी आर्थराइटिस। पेरी आर्थराइटिस मीन्स जो शोल्डर की कैप्सूल है या सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है वो थोड़े जकड़ जाते हैं, उसके लिए माइनर ट्रोमा होता है। इसके लिए अगर आपने कंधे को ज़्यादा हिलाया नहीं तो होता है। इसके लिए डायबिटीज़ है या कोई अलग बीमारी लाइक कोई कार्डियक इश्यू है उसमें अगर आदमी ज़्यादा पड़ा रहा है, शोल्डर को हिला नहीं रहा है तो वो जकड़ जाता है। सो सॉफ्ट टिश्यू जो अंदर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो दैट इज़ प्योरली पेरी आर्थराइटिस या फ्रोजन शोल्डर। उसमें पहले तो आप रूल आउट करो कि और कोई इजा नहीं है, मसल नहीं फटा है, लेब्रम नहीं फटा है, कोई छोटे मोटे फ्रैक्चर नहीं है। अगर ये नहीं है तो यू कैन स्टार्ट ग्रेडेड एक्सरसाइज। यानी मेरा मानना है कि धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू करो, विच हैज़ टू बी एक्टिव फर्स्ट। पहले खुद ही करना है जितना पेन परमिट करे। पहले अंडर हैंड एक्सरसाइज ही करनी है एंड धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाना है, और साथ में डॉक्टर आपको थोड़ी माइल्ड एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब करेगा, मसल रिलैक्सेशन देगा, साथ में आप सपोर्टिव गर्म शिकाई कर सकते हो। सो धीरे धीरे एक्सरसाइज करो, यूजुअली रिजल्ट मिलने में 1 से 6 महीना लगता है जी। थैंक यू सर। सर, एक हमारे व्यूअर ने और क्वेश्चन रेज किया है कि अगर डायबिटीज़ है, अगर डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं तो क्या सिर्फ सीधे हाथ में ही शोल्डर फ्रोजन होता है? ना, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सीधा हाथ आप ज़्यादा यूज़ करते हो, सीधा हाथ की एक्टिविटी ज़्यादा है तो उसमें पेरी आर्थराइटिस या फ्रोजन शोल्डर के चांसेस ज़्यादा है। पर यूजुअली डायबिटिक्स को एक के बाद एक दोनों शोल्डर इन्वॉल्व होंगे क्योंकि वो एक अंदरूनी बीमारी है। सो अगर सीधे हाथ में हुआ है तो मे बी हो सकता है कि 2 साल बाद उल्टे हाथ में भी हो, या दोनों साथ में साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं। सो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, पर कॉमन इज कि आपको थोड़ी चोट लगनी थी, कुछ होता है तो अंदर ये फ्रोजन शोल्डर होता है जी। इससे प्रिवेंशन पॉसिबल है सर फ्रोजन शोल्डर से? फ्रोजन शोल्डर तो सिम्टम्स है, सो इसका प्रिवेंशन, हाँ, अगर आपको डायबिटीज है, आपको कार्डियक इलनेस है, या आप प्रोन हो गए जिसमें शोल्डर की तकलीफ है, या आपको एक बार हुआ है, सो आपको उसका ग्रेजुअल एक्सरसाइज करते रहना है। आपका शोल्डर कभी भी आराम में नहीं होना चाहिए। सो आप एक्टिव एक्सरसाइज करो, हाथ को घुमाओ, हाथ को आगे पीछे ले जाओ, उसको चेक करो कि मेरे दोनों हाथ की मूवमेंट सिमिलर है, अच्छी हो रही है, तो फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस कम है। अगर आपको कोई इजा होती है, आपको फीवर आता है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह दो तो पहले से मेडिसिन शुरू हो जाए। पर मेरा ये मानना है कि अगर आपको फर्स्ट टाइम शोल्डर में पेन है और आपका शोल्डर जकड़ गया है तो डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू नहीं करने की। यू टेक एन ओपिनियन कि अगर करने जैसा है तो ही एक्सरसाइज करो, अदरवाइज बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें उनको अंदर मसल फटा हुआ है, रोटेटर कफ टेयर हुआ है, गिरने से, हाथ स्लिप होने से, और उसका भी सिम्टम्स है फ्रोजन शोल्डर, क्योंकि अंदर खून जमा होता है जो शोल्डर को थोड़ा जमा देता है एंड पेशेंट एक्सरसाइज करते हैं तो और बढ़ के आते हैं। देन द ओनली ऑप्शन वुड बी सर्जरी। सर, अभी हमने एक टर्म सुनी आपसे, रोटेटर कफ टियर, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा डिटेल में। राइट, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन डिसीज ऑफ शोल्डर इज रोटेटर कफ टियर। ये इतना कॉमन है कि लोगों को होता है, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। जैसे आपने आपका हाथ सपोर्ट करके बैठे हो और अचानक हाथ स्लिप हो जाता है, या आपने ओवर हेड जोर से थ्रो किया हुआ है, या ऊपर से आप अपने एटिक से कोई चीज़ नीचे उठाने जाते हो, या सीधा आप गिरने से कुछ लगता है, आप एक्सीडेंट होता है, तो शोल्डर में लगना है। सो पेशेंट एक्सरे करवाता है, एक्सरे में नॉर्मल आता है कि नहीं आपको कुछ नहीं हुआ है, पर पेशेंट अपना हाथ इजीली ऊपर नहीं कर सकता है, या थोड़ा होके रुक जाता है, या नहीं होता है, वो पेशेंट बोलता है नहीं मुझे बहुत दर्द है, मैं हाथ ऊपर नहीं कर सकता हूँ। सो दैट इज़ इंडिकेटिव कि पेशेंट को हड्डी पर नहीं लगाए पर मसल्स में लगाए, क्योंकि मसल्स दे प्रोटेक्ट द शोल्डर जॉइंट और मसल्स ने सारा फोर्स ले लिया है। सो शोल्डर जॉइंट इट्स जिसमें बॉल होता है उसको एक कवरिंग होता है, वी कॉल इट रोटेटर कफ।
जो चार मसल इकट्ठा होके बनाते हैं और वो शोल्डर की सारी मूवमेंट देते हैं, जैसे ऐसे घुमाते हैं, साइड टू साइड पूरा घुमाते हैं. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मसल विच दे कंट्रोल द शोल्डर जॉइंट. सो आप गिरते हो, आपका स्लिप हो जाता है, आपने किसी को थप्पड़ मारी है या कुछ चीज़ लेने के हाथ छटक जाता है, तो वो मसल में छोटे टेयर डेवलप होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रोटेटर कफ टेयर. और उसमें मसल मेन कॉमनली इन्वॉल्व है सुप्रास्पाइनेटस, जो शोल्डर की इनिशियल मूवमेंट करता है, जो टॉप में है शोल्डर के दो हड्डियों के बीच में, जो फट जाता है और फटने से पेन होता है, आपकी शोल्डर की ताकत कम हो जाती है, आप हाथ ऊपर नहीं कर पाते हो और धीरे 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 शोल्डर जकड़ने भी लगता है. सो इस स्टेज में अगर आप डॉक्टर्स को दिखाओगे तो आपको शायद MRI की एडवाइस करेंगे, जिसमें टेयर आएगा, आप शोल्डर को आराम दोगे और ठीक हो जाओगे. पर लेकिन आपने सीधी एक्सरसाइज शुरू की तो आपका टेयर बढ़ना है, आप एक महीने पे और पेन के साथ आओगे, फिर MRI कराओगे, फिर सर्जरी में जाओगे. सो कफ टेयर इज़ वेरी कॉमन, ठीक होने वाली है. अगर पूरा टेयर होता है और मसल रिट्रैक्ट होता है तो ही सर्जरी इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज कंजर्वेटिवली ठीक हो जाता है. जी सर, जैसा आपने बताया कि दिस इज द मोस्ट कॉमन. हाँ, सो ये इतना कॉमन क्यों है? इतना कॉमन है क्योंकि हम बहुत एक्टिव है. हम साइकिलिंग करते हैं, हम कोई भी व्हीकल चलाते हैं, हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, हम ऊपर से नीचे से चीज़ें उठाते हैं, तो गिरना है, शोल्डर पे फोर्स आना ही है. और जैसे हमारी एज बढ़ती है तो शोल्डर में एक जॉइंट है जिसका नाम है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, और एक स्ट्रक्चर है कंधे का यहाँ साइड में, उसका नाम है एक्रोमियन. इसकी हाइपरट्रॉफी होती है. सो यानी हम बोलते हैं कि हड्डी बढ़ी है, तो यहाँ से बिकॉज द लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आर अटैच, वो हड्डी थोड़ी बढ़ती है और वो नीचे थोड़ी डाउन स्लोप करके रोटेटर कफ मसल के अंदर इम्पिंच करती है. तो जैसे ये है ऐसे नीचे जाएगी, और जैसे हम फिर शोल्डर ऊपर करते वो फटता है. सो उम्र के साथ देर आर सम एथलेटिक चेंजेस, जिससे जो पास के जॉइंट्स है वो इरेगुलर हो जाता है और फिर वो मसल्स को फाड़ देता है, विच इज़ वेरी कॉमन. सो इवन माइनर ट्रोमा, हाथ ऊपर करने से भी मसल धीरे धीरे फटने लगता है. जी सर, अभी हमने फ्रोजन शोल्डर के बारे में बात की, शोल्डर पेन के बारे में बात की, एंड हमने रोटेटर कफ टेयर के बारे में भी बात की. इनके ट्रीटमेंट क्या हैं सर, जो पॉसिबल हो सकते हैं? राइट, तो शोल्डर का ट्रीटमेंट अगर आप इनिशियली या जल्दी आ जाओगे तो कंजर्वेटिवली है, सब ठीक हो जाएगा. एक मैं कहना भूल गया, एक है लेबरल टेयर है. जी, यानी जो शोल्डर जॉइंट को डिपेंड करता है, जो बॉल को अंदर समाता है, वो लेबरल टेयर भी काफ़ी कॉमन है स्पोर्ट्समैन में. सो लेबरल टेयर में शोल्डर जॉइंट ऐसा लगता है कि आपका निकल जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा. सो बेसिकली देन इस लेबरम को फिर से अटैच करना है, जो आर्थ्रोस्कोपी से हम एंकर लगा के इसको फिक्स कर देते हैं, बट विच इज़ नॉट वेरी कॉमन नाउडेज. सो इसकी ट्रीटमेंट है कि आप सबसे पहले तो शोल्डर में पेन हो, आपको पता है कि गिरा है, मुझे लगा है, तो आप डॉक्टर को दिखाओ, वो डायग्नोस करेगा और उसको पूछो बराबर कि मेरी हड्डी में लगा है, मसल में लगा है. सिर्फ पेन का कुछ रीज़न तो होना चाहिए, तो वो आपको आराम देगा, थोड़ी मेडिसिन देगा एंटी इन्फ्लेमेटरी, उससे ठीक हो जाता है. सो इन रोटेटर कफ टेयर एक महीना आपको ओवरहेड एक्टिविटी नहीं करनी है, उसके बाद यू ग्रेजुअली इंक्रीज योर एक्टिविटी और ठीक हो जाता है. इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम प्योर फ्रोजन शोल्डर और पेरीआर्थराइटिस, जिसमें कोई कारण से कैप्सूल टाइट हो गई है, देन यू नीड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज. आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है, महीना, दो महीना, तीन महीना. अगर उससे ठीक नहीं होता है तो देर आर फर्दर स्टेप्स, लाइक वी पुट सम लोकल एनेस्थीशिया के इंजेक्शन, एनेस्थेटिक लगा देते हैं जो उनमें हम शोल्डर को मैनिपुलेट करते हैं. सो अदर मोडालिटी है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डोंट इग्नोर शोल्डर पेन, जस्ट गो एंड शो इट टू डॉक्टर वंस. जी सर, भी एक और हमारे व्यूअर ने एक क्वेश्चन है रेज किया है, व्हाट अबाउट रेडिकुलोपैथी इन टीयर? ना, टीयर अगर शोल्डर में कफ टेयर होता है तो शोल्डर का पेन थोड़ा सा पीछे जाएगा शोल्डर ब्लेड की तरफ, या थोड़ा सा डेल्टॉइड की तरफ नीचे आएगा. पर रेडिकुलोपैथी जो होती है बेसिकली स्पाइन से होती है. सो अगर आपको सर्वाइकल स्पाइन में, नेक में स्लिप डिस्क है, सो आपको शूटिंग पेन होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक ऑफ स्पाइन और हाथ में कहीं जाएगा, मे बी थंब में या मिडल फिंगर या लिटल फिंगर,
और वो शूटिंग पेन होगा, कोई भी एंगल पे होगा, आपका गर्दन पीछे जाएगा तो पेन बढ़ जाएगा, पर शोल्डर मूवमेंट से रिलेटेड नहीं होगा. सो देर आर स्पेशल डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स बिटवीन द रेडिकुलोपैथी एंड शोल्डर पेन. सो रोटेटर कफ में जैसे आप हाथ ऊपर करोगे तो पेन होना है, और अगर आप पुश करोगे तो गिर जाएगा या पेशेंट को पेन होगा. सर अभी हम डिटेल में जैसे ट्रीटमेंट की हमने बात की, हम डिटेल में थोड़ा ट्रीटमेंट में जाना चाहेंगे कि मेडिसिंस होती हैं, कई बार इंजेक्शंस होते हैं, सर्जरीज होती हैं, तो हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप किस तरीके से उस पेशेंट को ट्रीट करते हैं. ठीक है. सो अगर हम देखें कि पेशेंट आया है, उसको पेन है, पेशेंट को सो कॉल्ड फ्रोजन शोल्डर है, दैट मीन्स कि मोबिलिटी कम है, उसका हाथ जकड़ जाता है, ऊपर नहीं होता है. सो यू पहले तो आप ढूंढ लो किस वजह से हुआ है. इफ़ इट इज़ प्योर फ्रोजन शोल्डर तो आप एक्सरसाइज चालू कराओ ग्रेडेड, उसको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दे दो, एक दो महीना उसको बोलो लगने वाला है, वो एक्टिव करे एंड असिस्टेड एक्टिव करे, दैट मीन्स फिजियोथेरापिस्ट भी उसको सपोर्ट करके करवाएगा. नहीं होता है तो आप इंजेक्ट कर सकते हो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जॉइंट के अंदर, मे बी अलॉन्ग विद सम स्टेरॉयड, जिससे पेन कम होगा और जिससे मोबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी. और अगर इससे भी नहीं होता है सो वी कैन मैनिपुलेट द शोल्डर. अगर पेशेंट का हड्डियाँ मजबूत है तो हम उसको एक बार सीडेट करके शोल्डर को पूरा घुमा सकते हैं. सो एडेशंस को तोड़ के देन वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइजिंग अगेन. लेकिन अगर पेशेंट को रोटेटर कफ है विच इज़ माइनर वन, देन आपको एक महीना शोल्डर ऊपर नहीं करवाना है, आराम देना है, सम पेन किलर देनी है. देर आर न्यू मेडिसिन अवेलेबल लाइक कोलेजन 2 जिसमें आता है, जो टेंडेंस को रिपेयर करती है, मजबूत करती है. यू हैव टू स्टार्ट दैट और महीने बाद यू स्टार्ट विद एक्सरसाइजिंग और वो ठीक हो जाते हैं. ओनली कंप्लीट रोटेटर कफ इंजरीज दे वॉरेंट सर्जरी इमीडिएटली. लेब्रम टेयर में भी इफ पेशेंट है डिसलोकेशन वंस यू कैन वेट, कंजर्वेटिवली कर सकते हो. अगर साल में दो बार से ज़्यादा है देन गो फॉर सर्जरी. सर्जरी के बारे में सर, जैसे अभी आपने हमें एक्सप्लेन किया, तो किस तरीके की सर्जरी होती है, कितने तरीके की सर्जरी शोल्डर में दो होती है. शोल्डर में आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है या मिनी ओपन सर्जरी होती है. सो दैट डिपेंड्स अपॉन द सर्जन्स एक्सपर्टीज. दोनों के रिजल्ट इक्विवेलेंट है. आर्थ्रोस्कोप सर्जरी इसमें छोटे से पिन लाइक माइनर इंसिशन से पोर्ट बना के अंदर स्कोप डाल के तुम सर्जरी करते हो, पर उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है. पर पेशेंट का रिक्यूपरेशन भी फास्ट होता है बिकॉज देर इज़ नो कट वुंड. पर सो तुम लेबरल टेयर है, डिसलोकेशन की सर्जरी है, मोस्टली इससे कर सकते हो. माइनर कफ टेयर भी आर्थ्रोस्कोपी से कर सकते हो. पर अगर शोल्डर कफ टेयर पुराना हो गया है तो द मसल्स हैव रिट्रैक्टेड, जो खुद वापस नहीं आ रहा है, या क्रोनिक रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन है, तो ओपन सर्जरी सारे एडवाइजेबल. सर शोल्डर एनाटॉमी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे हम. शोल्डर एनाटॉमी मैंने बताया कि शोल्डर जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अगेन इट इज फॉर्म बाय द ह्यूमरल हेड एंड द ग्लेनॉइड विच इज पार्ट ऑफ स्कैपुली, और देर आर मैनी लिगामेंट्स विच होल्ड्स टू बोन्स टूगेदर, एंड देर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड लेब्रम विच डिपन्स द ग्लेनॉइड to hold the shoulder ball inside. And the roof is formed by the clavicle and the acromion. So ये जो structure है वो बाद में एज के साथ उसमें थोड़ा changes आते हैं, जिससे वो rotator cuff की chances बढ़ जाते हैं. And the shoulder joint is covered by the cuff muscles and there are other muscles. It's a very strong joint. जी सर, injections जो हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं शोल्डर इंजरीज में? राइट. सो इंजेक्शंस तीन तरह के आते हैं. एक जो होता है उसका नाम है लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शंस, जो हम सेंसर किन या जाइलोकिन की इंजेक्शन देते हैं. दैट्स डायग्नोस्टिक ऑल्सो. अगर शोल्डर में पेन है अंदर से आ रहा है तो इसे टेम्पररी ठीक हो जाएगा. पेशेंट का पेन कम हो जाएगा, वी कैन मोबिलाइज फास्टर, एक्सरसाइज में हेल्प करता है. पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है, पेशेंट को पेरियाथ्राइटिस है, पेशेंट को बर्साइटिस है, एक सूजन अंदर एक तरह की, तो हम कभी स्टेरॉइड भी इंजेक्ट करते हैं जिससे लोकल इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है और पेशेंट का पेन कम होता है तो एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर सकता है. देन इन
there is another injection called visco supplementation. So there is a gel available, जो 2 ml का gel होता है. It's like a synovial fluid, artificial synovial fluid. So minor cuff tear है या bursal surface का tear है या periarthritis शुरुआत का, तो हम वो gel का injection देते हैं, which is all these injections are safe basically. So जिससे pain कम होता है और mobility के chances बढ़ जाते हैं. जी सर, आई वॉन्ट टू आस्क कि शोल्डर ट्रॉमा जो होता है वो किस तरह पोस्ट ऑपरेटिव स्टिफनेस के साथ एसोसिएट होता है. एग्जैक्टली हाँ. सो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे शोल्डर में कोई फ्रैक्चर हुआ है तो आइदर यू फिक्स इट विद प्लेट और नेल डालते हो या मे बी स्क्रू डालते हो, पर उसके बाद शोल्डर को इमोबिलाइज रखना पड़ता है फॉर अ पीरियड ऑफ अ मंथ मे बी 2 months. सो तब शोल्डर काफ़ी जकड़ जाता है. तो जो शोल्डर जकड़ता है क्योंकि कैप्सूल जो उसकी लेग्स है वो टाइट हो जाती है. सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पेरियार्थ्राइटिस. तो उसके बाद पेशेंट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग, तो वो यूजुअली धीरे 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 ठीक हो जाता है. जी सर. सर, इज देयर एनी मिनिमली इन्वेसिव ऑप्शन फॉर शोल्डर सर्जरी? यस, वी कॉल इट मिनी ओपन सर्जरी. मिनिमली इन्वेसिव वी कैन गो फॉर आर्थ्रोस्कोपी, जिसमें तो देर आर स्मॉल कट्स, ओनली नीडल मार्क्स. So that's a part of minimally invasive surgery. Now most of the surgeries are done with mini open incision. So छोटे छोटे incision से सारी surgery हो जाती है. So and shoulder is a bulky joint. Muscles का coverage ज़्यादा अच्छा है. So shoulder में infection के chances वो सब बहुत कम रहते हैं. It's basically a safe joint. Knee में जैसे it's a superficial joint, bones are visible and they are felt. जो chances infection के ज़्यादा है, shoulder में ऐसा नहीं है. जी. सो इवन अभी तो ह्यूमरस की सर्जरी भी मिनिमली इन्वेसिव होती है. जस्ट स्लाइड द प्लेट एंड उसको फिक्स करना होता है. जी. इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं सर? एनी मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, इससे रिक्यूपरेशन टाइम कम हो जाता है. सो पेशेंट की मॉर्बिडिटी कम हो जाती है. पेशेंट को हम बहुत जल्दी अपने काम में रूटीन में इन्वॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उसका पेन कम होता है, बहुत कम होता है सर्जरी के बाद. जी सर, एक और हमारे व्यूअर ने एक क्वेश्चन रेज किया है कि इस स्टेरॉयड इंजेक्शन हेल्पफुल एंड इज इट सेफ? स्टेरॉयड इंजेक्शन जो होता है वो बेसिकली लोकली एक्टिंग होता है. सो उसका सिस्टम में कोई साइड इफेक्ट नहीं है. जी. और स्टेरॉयड्स लोकली यूज स्टेरॉयड्स आर वेरी इफिशियंट इन ट्रीटिंग द इन्फ्लेमेशन, लोकल इन्फ्लेमेशन. सो अगर आप डायबिटिक हो और डायबिटीज कंट्रोल में है तो भी लगा सकते हो. नॉर्मल पेशेंट में भी हम एक डोज लगा सकते हैं, विच आर इन माई ओपिनियन दे आर सेफ एंड वर्ल्ड वाइड तो बहुत कॉमनली यूज है. सो लगाना चाहिए, इससे आपका रिकवरी टाइम कम हो जाता है. जी सर. सर, शोल्डर फ्रैक्चर के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे. हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जैसे जैसे एज बढ़ती है तो शोल्डर बोन इज ऑल्सो कॉमन बोन टू गेट फ्रैक्चर. जैसे आपके रिस्ट में फ्रैक्चर होगा, हिप्स में होगा, ऐसे एल्डरली पर्सन में गिरने से शोल्डर में फ्रैक्चर हो जाता है. सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर अनडिस्प्लेस्ड, सो हम कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हैं. पर शोल्डर का नेक या उसका अपर शाफ्ट या शाफ्ट का, देन इट रिक्वायर्स सर्जरी. सो हम प्लेट से, नेल से, बाहर एक्सटर्नल फिक्सेटर से या स्क्रू से उसको फिक्स कर देते हैं. सो शोल्डर फ्रैक्चर इज वेरी कॉमन इन एल्डरली, वेरी कॉमन. जी सर, अभी जैसे हमने डिस्कस किया, इसमें आपने एक बात बताई कि एपिलेप्सी एंड इलेक्ट्रिक शॉक भी शोल्डर डिसलोकेशन का रीजन होते हैं कभी. तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि उसके क्या कॉज हो सकते हैं. एपिलेप्सी इज बेसिकली न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जहाँ पे इनवॉलंटरी मसल स्पाज़म होते हैं. और इवन इन द इलेक्ट्रिक शॉक देर इज ए सडन कॉन्ट्रेक्चर ऑफ द मसल्स. तो बिकॉज शोल्डर इज नॉट अ वेरी स्टेबल जॉइंट, इट्स अ वेरी मोबाइल जॉइंट, तो शोल्डर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके बोन को बाहर निकाल देते हैं. सो इन इलेक्ट्रिक शॉक एंड एपिलेप्सी दिस जॉइंट इज वेरी कॉमन टू गेट डिसलोकेटेड, बहुत जल्दी डिसलोकेट हो जाता है वो. सो इन एनी केस ऑफ एपिलेप्सी एंड इलेक्ट्रिक शॉक, आपको जैसे पेशेंट को थोड़ा होश आता है आप चेक कर लो कि शोल्डर ठीक है कि नहीं, क्योंकि क्लिनिकली आपको पता नहीं चलेगा और पेशेंट इतना होश में नहीं होगा कि आपको कुछ बोल सके.
सर जनरली जैसे हम लोग शोल्डर के बारे में बात कर रहे हैं, घर में काम करती हुई फीमेल्स होती हैं या कोई नॉर्मल पर्सन कभी वेट लिफ्टिंग करते हैं और उन्हें अचानक शोल्डर में पेन होता है, दे लाइक डोंट प्रेफर टू कम हॉस्पिटल, दे आर लाइक हम घर में ही स्प्रे कर लेंगे, तो उनके लिए कुछ एक मैसेज आप देंगे? एग्जैक्टली सो अगर आपको माइनर इंजरी हुई है, कुछ उठाते हुए कुछ लेते हुए एक्सरसाइज में पेन, सो मेरा ये आपसे एडवाइस है कि प्लीज़ अचानक से एक्सरसाइज शुरू नहीं कर देना। यू जैसे पेन है दैट वो बोलता है शोल्डर कि मुझे थोड़ा आराम दो, सो आप उसको आइस पैक लगाओ, आप उसको आराम दो, एवॉइड ऑल पेनफुल एक्टिविटीज़, तो अपने आप मेरे ख्याल से अगर माइनर मसल इंजरी है या जो भी थोड़ा बोन में ब्रूस हुआ है तो अपने आप ठीक हो जाता है, पर विदाउट एनी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स कंसल्टेशन एक्सरसाइज नहीं करो, क्योंकि मैं 50% केसेस देखता हूँ जिसमें पेशेंट को 2-3 महीने बाद पेन एग्रेवेट हो गया और कफ टेयर बढ़ के आए हो, देन सर्जरी ऑप्शन रह जाती है। जैसे कि सर ने हमें शोल्डर के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, कभी भी हमें कोई भी दर्द हो, तकलीफ़ हो शोल्डर में, कुछ वज़न उठाने से, किसी भी एक्टिविटी को करने से, किसी भी मूवमेंट की वजह से, तो हमें घर में ही ट्रीटमेंट या एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो नॉर्मल हम लोग नहीं प्रेफर करते हैं, बट जैसे कि शोल्डर जॉइंट्स को हम लोग इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। सर कोविड में सब लोग अब घर पे ही हैं, तो एक अच्छा सा मैसेज आप हमारे सारे व्यूअर्स को दीजिए कि अगर कोई भी तकलीफ होती है और हम हॉस्पिटल नहीं आना चाहते तो हम कैसे चीज़ों को डील करें? मेरा ये मानना है अगर आप घर पे एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो और फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज कर रहे हो तो स्ट्रेच योर मसल्स, स्ट्रेच योर बॉडी फर्स्ट। सो स्ट्रेचिंग करने से मसल में एक टोन होता है जो डेवलप होता है, जिससे एक्सरसाइज इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप डायबिटिक हो और घर में हो तो आप हर डे मूवमेंट चेक करो कि मेरी मूवमेंट्स कम तो नहीं हो गई है, सो आप हर मूवमेंट चेक करो और शोल्डर के एक्सरसाइज करते रहो। सो आप पुशअप्स पुलअप्स सब कुछ करो, लेकिन धीरे धीरे करो, ग्रेजुअली। सो एक साथ 15-20-30 बार करने की ज़रूरत नहीं, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाओ। एंड अगर थोड़ा सा भी इंजरी होती है तो आइस पैक से उसको ठीक करो थोड़े दिन बाद। पर इन डायबिटिक्स एंड एल्डरली शोल्डर की मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है, वो रोज़ आप चेक करो जी। सो सर ने हमें शोल्डर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, हमारे शोल्डर भी हमारी अदर बॉडी पार्ट्स की तरह ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सर हमारे साथ में अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद में अवेलेबल रहते हैं, आपको कोई भी ऐसी तकलीफ है शोल्डर से रिलेटेड तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7698-15003 एंड आस्क अपोलो हमारी वेबसाइट, वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं, आस्क अपोलो हमारी एप्लीकेशन, वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं, सर हमारे साथ हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं, तो आपको कोई भी तकलीफ होती है इस तरीके की तो आप आके सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सर से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी दी।